अच्छा बाबूजी, लोक संगीत प्रेमियों, अंतरध्वनि फिल्म स्टूडियो इलाहाबाद के बैनर से करण परीक्षा महाभारत की एक जोरदार प्रस्तुति हम लोग गीत बिरहा गायक कलाकार कृष्ण कुमार रत्नाकर एंड पार्टी की आवाज में एवं बड़े भाई अनुराग अग्रवाल व बड़े भाई बच्चा लाल यादव जी की देखरेख में आप लोगों तक पहुंच रही है। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप इस कैसेट को ध्यान से सुनेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। चार लाइन की भूमिका है, यही से गाने की शुरुआत है। मास्टर अरे दानी से खाली नहीं देश मेरा, सिउर दधीची बदन दर्द भूले, हरिश्चंद दानी रखाते थे मरघट, मरा पुत्र देखा बचा सात भूले, बेटे को चीरा है मोरज ध्वज राजा, बना सिंह यमरा जलेली बलैया, दया राम हर बार करता नमन है, दानी करण वीर रण भी लड़ैया। ए भैया लोग, ये दानियों के दानी दानवीर कर्ण की एक छोटी सी दास्ता महाभारत से आप लोगों तक जा रही है। गजल का टुकड़ा बा मास्टर। यही लाइन हमारे मास्टर बतावत है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, सुहागन वही है। अरे जले जो आए हाय, जले जो अरर, जले जो बिरह में अभागन वही है। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ कर्ण की परीक्षा लेने के हेतु आज कैलाश से चलते हैं। कैसे चलते हैं मास्टर? अरे एक दिन आय हाय, एक दिन अर अर, एक दिन उमापति का आसन है डोला, एक दिन उमापति का आसन है डोला, अरे एक दिन उमापति का आसन है डोला, अरे दानी आय है दानी, अरे दानी करण से मिल गई ये भोला, भगवान भोलेनाथ जोगी का रूप बराक करके आज कर्ण की परीक्षा लेने की हो तो चलते हैं। नजम के लाइन में कहना हो मास्टर।
न सच्चा जगत में करण वीर दानी है। कसौटी पे चढ़ा के लूंगा मैं पहचानी है। पूजा उस समय करण बैठा अपने द्वार किया, छिपा के भेष शंभू जाके जय जयकार किया। बताओ बाबा जी कैसे हुआ आना है। खुशी की झूम उठी दिल हुआ दीवाना है। लिया है चरण अमृत चरणों को पखार लिया, लिया है चरण अमृत चरणों को पखार लिया। आज दर्शन दिया बाबा जी बड़ा प्यार किया। के द्वार पर भगवान भोलेनाथ जोगी का रूप बना करके ब्रह्मबेला में जा करके अलख जगा दिए। अजब अलख जगा दिए बाबूजी। तो गीत के अंदर होत काब मास्टर एक लाइन गीत लगल। वह गीत बा कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहत रहे कि अखिया मिलावा, अरे अखिया मिलावा तनी गरवा लगा लियो मार बलम। कोरा हमके उठा ली हमार बलम, कोरा हमके भगवान भोलेनाथ जो जोगी के रूप में गए थे कर्ण के द्वार पर अलख जगौले। आज कर्ण उ जोगी बाबा से कहा था कि ए बाबा हम कुछ कहा ही चाहिए था। का कहत बकरण मास्टर? अरे भेदिया बतावा, अरे भेदिया बतावा मोरा मनवा पूजावा हमारा जोगिया। महिमा बतावा हमार जोगिया, अपन महिमा बतावा। हो गया खुशी पाके दर्शन तुम्हारा, अहो भाग है जोगी बाबा हमारा, अहो भाग बतावा हमार जोगिया, अपन महिमा। ए भैया लोग, आज जोगी बाबा से करण कहल कि ए बाबा आप हमारे द्वार पर कहे अलख जगाया है। लिया गया बाबूजी, लिवा गया महल के अंदर आसन दिया। जोगी बाबा के दोनों पैर को बाबूजी पखार करके करण कहता है कि काहे बदे आया बाबा, एक एक कारण बतावा। जोगिया कहता है करण हमने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है
और इसी आशा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। तिरवाचा बंधा लेता है बाबूजी, कहता है कि जो मांगूंगा मिलेगा। कर्ण कहे बाबा, कर्ण के भंडार में जो कुछ भरा है सब आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा, आप आदेश तो करिए। तिरवाचा बंधाने के तहत जोगिया बाबूजी कर्ण से मांगत काबा। 7 साल की इकलौती संतान जिस बच्चे का नाम ब्रिस्केतु बताया गया, आज वह लड़कवा बाबूजी जोगिया कर्ण से दान में मांग लिया। और जब मांग लिया तो दान की घड़ी जब आई तो यहीं पर ब्रह्मा जगत की टेरी लिखी गई। मास्टर आए राम अंबर से आखिर यवनी हिल गई, अरे अंबर से आखिर यवनी, ओ अंबर से आखिर यवनी हिल गई, अरे कुंठित हुए करण शिव बोल पड़े जब स्वर से, अंबर से आखिर यवनी हिल गई। हुए करण शिव बोल पड़े जब स्वर से, अंबर से आखिर यवनी हिल गई। तजय बोले त्रिपुरार करण हुई गए लचा, जय बोले त्रिपुरार करण हुई गए लचा, कैसे किया कर तार दिन आई गई ले, अगर करते ना पूरा सत्ता होगा बड़ी दूर, जोगी बाबा के हुजूर चक्कर आई गई, तधीर धर तन तन द्रवित हुआ त्रिभुवन, मांगे दानी से लला ला सिवा आई गई ले, कैसी गरिमा हटी शिव महिमा घटी, कैसी गरिमा हटी शिव महिमा घटी, शिव कारण के जटी में सठी आई गई ले, द्रवित हुआ त्रिभुवन, मांगे दानी से ललन शिव आई गई ले, आ कैसी गरिमा हटी शिव महिमा घटी, शिव करण के जटी में सठी आई गई ले। ए बाबूजी, आज जोगिया त्रिवाचा के तहत जब 7 साल का बच्चा दान में मांग लिया, करण बाबूजी दिल में शोक आंखों में आंसू लेकर के कहता है कि अरे बाबा ये काय आप मांग लेला, का मंगला बाबा हमार तो सब कुछ आप ले लेला। जोगिया कहा ए करण कुछ नहीं, त्रिवाचा के तहत तूने मुझे दान में अपने बच्चे को दिया है, जल्दी दो और उस बच्चे को दान में लेकर के मैं अपने स्थान पर जाऊंगा। यहर करण कहता है कि बाबा आप आसन पर विराजमान हा, हम लड़का को जरूर दान में दे बाबा, लेकिन कुछ समय बितावे दा तनी के। यहर बाबूजी जोगिया अपने आसन पर अकरण चल देता है अपनी धर्म पत्नी के पास। विराह में क्लाइन गीत लगल मास्टर। खाई बहुत पुरान गीत बा, हमारे मास्टर बजावत है, हमारे हिंदुस्तान की माटी का गीत हो। माताएं बहने गाया करती थी कि आ जाए एकादशी, तनी से उरी बढ़ जा मास्टर, जी आ भैया सही हो, अरे आ जाए एकादशी आ
भी आला दुई दसिया तेरा सियाई के नाही आए पारा देसिया तेरा सियाई के ना लेकिन बाबूजी अपनी पत्नी के पास जब करण पहुंचता है झुका हुआ मस्तक देख करके आज करण की पत्नी अपने दुल्हा से सवाल करती है कि ए पिया ये मस्तक है आपका काहे झुका भाई के का कारण बा। तब बाबूजी दिल में शोक लेकर के करण अपनी पत्नी से बतावत बा कि का बताई हम लेकिन बात को बताता है कैसे बताता है मास्टर कि बोले बलावा नावा अरे जोगी हमारे समनावा सुना हो रानिया सुनी भैली सारी दुनिया सुना हो रानिया सुनी कह दो मास्टर अरे करण गाए राय घारे रही दुलाहिनिया जा करके अपनी पत्नी से यही बात बताता है कि ए प्रिय एक जोगी हमरे द्वार पर आए तिरवाचा बंधाई के हमार लड़किया दान में मांग लिया इतनी बतिया के सुन करके बाबूजी आज करण की पत्नी करण से कहती है कि अगर नहीं यही बाहासी सारी दुनिया मांगेला मांगनवा जोगी हमारे समनावा सुना हो रानिया मांगे सुनी भैली सारी दुनिया सुना हो रानिया सुनी इतनी बतिया के बाबूजी आज जब करण अपनी पत्नी से बताता है तो आज दुल्हनिया करण की करण एक बात कहती है कि ए पिया कैसा जोगी कौन जोगी और दान आपसे मांगे आप ब्रिस्केट को दान में दे है पिया देखो हमार बात सुना दुल्हनिया कहत बका कहत मास्टर कहैया अगर डीगी जईबा हंसी सारी दुनिया अगर कुछ जाता नावा ना धूमिल कारा मनावा सुना हो रानिया करा नाही काराया ना कानिया सु ना हो रानिया नाही काराया ना ए भैया लोग
आज अपने पतिदेव से कहती है कि पिया, हो सकता है मालिक आपकी परीक्षा ले रहा हो, और परीक्षा की घड़ी में पिया एक ब्रिस्केट नहीं, हम 1000 ब्रिस्केट में दान के दे दे भाई, लेकिन आपका मस्तक, आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में घटनी नहीं चाहिए पिया। इतनी बात सुन करके बाबूजी आज करण को ढांढस बधा करके आज करण की पत्नी एक बात कहत बका कहत मास्टर बिलाह में गीत लग गई। तनी से उरी बढ़िया मास्टर। अरे हाय हाय, अरे अपने बलमुआ के चोरी, कौनो दुलहिन कौनो से कुछ मांगन मांगत रहा है कि अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगे घुना घुनावा, यही गीतिया के हमारे प्रयागराज में गावा जा था कि गंगा जी के तनौ नहैबा, अरे गंगा जी के तनौ नहैबा, पतर तिरिया ना पैबा राजा, के हमारे गुरु जी गावत रहन। कैसे गावत रहन मास्टर? कि गोरिया चलना नहीं हरवा, अरे गोरिया चलना नहीं हरवा, बलमा सीसा की दई के रोवई, लेकिन बाबूजी आज करण की पत्नी करण से कहती है कि धर्मा जी ना खोया सजनवा, अरे सत्य पेटी का बाजा हनवा, धर्मा जी ना खोया सजनवा, पे टिका बा जहनवा, धर्म जिन खोया सजनवा, ए पिया सत्य का अपना डिगावा, कहे तोहरे परीक्षा के आई लबा जुनिया तोहरे, औ अगर डिगी जैबा हंसी सारी दुनिया, अगर डिगी धर्मा जी ना खोया सजनवा, अरे माया का झूठा सपनवा, धर्मा जी ना खोया सजनवा, कि पिया आप जल्द से जल्द जाओ और हमारे बच्चा हमारे बेटवा बिस्केट को आप जोगी के दान में दिया जा पिया, ये माया का जहान है पिया, मोह माया में आप मत पड़ा। फिर औरतिया कहत बका कहत मास्टर, अरे नारी दिया धीरा दानी को हसके नारी, वही सोचे अरे सोचे कारण धर्म संकट में फंसके सोचे, धर्म जी न खोया सजनवा,
अरे पहुंचा है जोगी के समनवा धर्मा जी ना खोया सजनावा। बाबूजी आज अपनी धर्मपत्नी के कहने पर बाबूजी पहुंच गया जोगी बाबा के समक्ष। जोगिया कहा ए कराड़, अरे जल्दी सी लड़कीवा के हमके दान में दे, हम अपने वतन पे जाब जाब हम। ए बाबूजी आज 7 साल के बच्चा को उठा करके बाबूजी जोगी बाबा की गोदी में करण दे दिया। जोगिया महल से निकला, बाबूजी 10 कदम जा करके पुनः फिर महल में वापस आ गया। आज जब यहाँ आया कहा ए कराड़, अब इस बच्चे पर मेरा अधिकार हो गया है, मैं तुझे ये आदेश देता हूँ कि जिस तरीके से कोई किसी का वध करता है, मैं आदेश देता हूँ कि उठा ले तलवार, इसी वक्त इस बच्चे का वध कर दे करण। आज जब बाबूजी तनी बात जोगिया कहा तो करण सुन के लाचार हो गया कि अरे बाबा आप का आदेश हमका दे था। लेकिन बाबूजी जोगिया वही बात फिर बताता है कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। धर्म की राह पर चलते हुए करण बाबूजी उठा लिया कटार और करता क्या है उड़ान में कहना हो मास्टर। अरे कठिन हो किया करे जा पत्थला, अदानी हुआ दान में अभी चला। अरे कत्ल कर दिया है राजा तब अपने खंडर से, अंबर से आखिर यवनी हिल गई। बारे करण की परीक्षा जोगिया दूसर की बेरी बाबूजी आज करण से छल किया। आज जब कत्ल कर दिया तड़प करके बाबूजी बच्चा वो जमी पर तड़प रहा है, खून की जो जो धार बह रही है। दशा को देख करके करण की आंखों में आंसू, डांट दिया जोगिया ए करण एको बात मेरी सुन, जैसे कत्ल किया है उसी तरीके से जैसे कसाई मांस को काटता है, उसी तरीके से इस बच्चे का एक एक टुकड़ा अलग कर और मांस पका करके मुझे भोजन के तरीके से खिला, तब तो तेरा दान का देना संपूर्ण होगा, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा। इतनी बात सुन करके बाबूजी करण करता क्या है विदेशिया में कहना हो मास्टर। अरे एक एक टुकड़ा, अरे अलग कैले बेटावा के, अरे सिले पे बजराया सू गिरे लाना ना, कहे बैरागी आगी अरे जला के पकाओ मांसा, वो तो बड़ी देरा खई के जई बई वाताना। तो बना जेवा नारा बीरा, अरे बोला चला जोगी बाबा कैला भोजन, भोजन तैयार हुआ बाबूजी। आज जोगिया रसोई गृह में पहुंचा,
आसन पर विराजमान हुआ और भोजन की थाली सामने आ गई। आज जोगी बाबूजी आज चौथी बेरी करण से छल करता है कि ऐ करण, अगर इस उसी बच्चे का मांस है तो मेरी एक बात को सुन करण, अगर उसी बच्चे का मांस है तो पहला मांस का निवाला तुझे अपने मुंह में डालना पड़ेगा। पहला निवाला तू खाएगा तब मैं खाऊंगा, नहीं मैं जा रहा हूँ। ए बाबूजी, जोगी आसन से जब उठा, उठकर चलने की तैयारी करता है करण, कदमों में गिर पड़ा कि अरे बाबा आप का कहा था, अगर ये किसी और का मांस नहीं उसी बच्चे का मांस है बाबा। लेकिन जोगिया कहा है, हमें विश्वास तब पड़ी जब तू पहला निवाला अपने मुंह में डालेगा। करण आज धर्म संकट पर धर्म की राह पर चलते हुए बाबूजी करण करते क्या है मास्टर, कहे शिवदानी बीसा ही हमा के बा, अरे पहले आपा खाया फिरा कराबई भोजन, जोगी के कहने पर बाबूजी उठा लिया मांस का निवाला और जैसे ही मुख में डालने का प्रयास करता है, गीत के अंदर होता क्या है मास्टर, आल्हा के लाइन में कहना हो, कवन हो चिड़ैया बिलपा खानावा के उड़े भैया, कवन हो नदियावा बिला जल बह जा, कवन राड़ बाजावा भी देसावा में छाई गईले, कवन गुजरिया कसे जकुमिला, लेकिन बाबूजी गीत में का होदबा, लला ना कमान सजाबा करा में उठविले भैया, आ तीनों लोकवा में भैया मचा त्राही त्रा, ब्रह्मा या विषाणु का असंडग मगाए भैया, मनावा में सभी देवा गईले घबड़ा, ए बाबूजी आज त्राही त्राही मच गया, ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी का आसन डगमगा गया, क्षीर सिंध से विष्णु जी का आसन डगमगा गया, सभी देवी देवता विकल हो गए, अरे बाप रे बाप, ये कैसी माया है कैसी लीला है। भगवान भोलेनाथ को बाबूजी जब खोज हुआ तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी बाबूजी साथ में ब्रह्माणी इंद्राणी तमाम देवी देवताओं को लिवा करके बाबूजी आज करण की धरती पर आ गए, महल पर आ गए। सब बाबूजी कर्तव्य की ओर देख रहे हैं कि आगे मालिक क्या होगा। और बाबूजी जब मुख का निवाला उठा करके करण मुख में डालने का प्रयास करता है तब का हो मास्टर, आखिरी और अंतिम प्रमाण दादा पंधारी के लाइन से कहना हो, अरे कौर कर में उठौतई, अरे कौर कर में उठौतई, अरे बिकल भई मती, तका पैलभ मंडल
जहनवा दहल गई धरती विकल भैमती कापे नभ मंडल जहनवा दहली धरती। ए बाबूजी कारण क्या था, खास करके हमारे हिंदू धर्म के लोगन के बदे ही बात बा कि एकादशी का व्रत जिस दिन बाबूजी भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने की हेतु आए, मांस खाने की घड़ी आई, उस दिन कर्ण बाबूजी एकादशी का व्रत था। और एकादशी का व्रत बाबूजी जो इंसान रहा करता है, अन्न की क्या बात है, पानी की एक बूंद भी 24 घंटे मुख में नहीं जाया करती। यही पर बाबूजी कहना हो कि हुआ जय जय कारा शिवा प्रगटे ते ही घरिया। अरे जय हो कर बीरा तोहरे दान कई गठरिया। अरे अब तोहरे आगे न हिम्मत परती तका पैन भमंडल जहनवा दहल गे धरती। दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ बाबूजी दोनों कर को जोड़ लिए करण के आगे। धन हो करण, जय हो तेरी, तेरी गाथा हमेशा गाई जाएगी। करण भगवान भोलेनाथ किए क्या बाबूजी, अरे शिव जिंदा कैले तब करण के छोकरावा। भगवान भोलेनाथ असली रूप में प्रकट हुए बाबूजी, जोगी जो बन के गए थे डमरूधारी असली रूप में आ गए। और जब असली रूप में आए तो करण आज जोगी बाबा भगवान भोलेनाथ से को बात कहत बा कि शिव जिंदा कैले तब करण के छोकरावा। अरे बोला करण काला युग में की हाना ना खरावा। अरे नाही प्रभु मानी केहु जोगी जति तका पैन भमंडल जहनवा दहल गई धरती। भगवान भोलेनाथ से उपकरण कहता है कि अरे जोगी बाबा, ए भोलेनाथ, आप जोगी के रूप में हमार परीक्षा ले बदे आया ना, तो ई नखरा देखा कलयुग में ना दिखाया, नहीं तो क्यों साधु संत महात्मा पे विश्वास ना करे और दुआरे से मार के इनके भगावा जाई। धन हो बाबूजी, आज करण की सत्यता रंग लाई, जय जयकार हुआ तीनों लोक में बाबूजी। यार फिर से दानवीर करण की गाथा गाई जाने लगी। हमारा गीत यहीं से अंत हुआ। आखिरी अंतिम प्रमाण गुरु घराने का परिचय बा। गुरु भोला गुरु बाबा दीन भय स्वर्ग के वासी, अरे दया राम गुरु हरि राम के, अरे अखिया बाटई प्यासी हो, अंबर से आखिर अवली हिल गई, हाथ गाँव रतना कर मई हर वाली के स्वर से, अंबर से आखिर अवली हिल गई। Yeah.
मेरे देश की धरती। चली रे चली रे पुरवैया परदेसिया, चली रे चली रे पुरवैया परदेश। हाय हाय हाय, जब दिल न लगे दिलदार, जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गलिया जाना